नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। गुड न्यूज टुडे आप देख रहे हैं। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई नबात का। जय केदार, जय बद्री विशाल। देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का महाउल्लास शुरू हो चुका है। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुल चुके हैं। इन मंदिरों में पहले ही दिन बड़ी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। ऐसे में आने वाले दिनों में उमड़ने वाले श्रद्धालुओं के सैलाब का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब इंतजार है 12 मई यानी कि रविवार का, जब बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे और फिर इस महीने के आखिर में सिख समुदाय के पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी चमोली जिले में ही स्थित है। लोगों में यात्रा को लेकर उमंग ऐसी है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ होटल और गाड़ियां भी तेजी से बुक हो रही हैं। इस धार्मिक पर्यटन को पंख लग गए हैं। ऐसे में आज हम देश में आध्यात्म के स्वर्णिम काल पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे पलायन की मार झेल रहे उत्तराखंड के लिए ये वरदान साबित हुआ है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद होंगे। धार्मिक विद्वानों से यात्रा की महत्व के बारे में भी जानेंगे और साथ ही साथ आर्थिक जानकारों से समझेंगे कि कैसे पर्यटन को एक तरीके से बूस्ट मिला है उत्तराखंड में इस यात्रा से। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सबसे पहले सुबह बाबा केदार समाधि से जाएं, फिर लंबी प्रतीक्षा के बाद मां गंगोत्री ने भक्तों को दर्शन दिए और आखिरकार यमुनोत्री के कपाट भी भक्तों के लिए खुल गए। उत्तराखंड के चार धामों में से तीन धामों में कपाट आज पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। एक तरफ केदार घाटी जो दिन भर बाबा के जयकारों से गूंजती रही, तो वहीं मां गंगा के पावन दर्शन के लिए भी उत्साह का कमाल दिखा। मां यमुनोत्री से मुराद पाने वाले भी सुबह से ही इस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे थे। अक्षय तृतीया की पावन बेला पर देवभूमि की पावन माटी, आस्था की ऐसी तस्वीरें दमक उठी जैसे ही सुबह बाबा केदारनाथ के कपाट खुले। बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु लंबी कतारों में लगे हुए थे। बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं और इस वक्त केदार घाटी की जो सुंदरता है वो देखते ही बन रही है। आज सुबह 7:05 पहले पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे, तब तक जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे, जो मुख्य महंत थे, वो कपाट पर मौजूद थे। ठीक 7 मंदिर के कपाट खोल दिए गए और उसके बाद मुख्यमंत्री करीब 20-25 के लगभग यहाँ लोगों के बीच रहे। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को अभिवादन भी दिया। जो यहाँ पहुंचे श्रद्धालु हैं उनकी आस्था इस वक्त देखते ही बन रही है। हर तरफ आप देख सकते हैं करतल ध्वनि सुनाई देगी आपको। बाबा केदार के धाम पहुंचे श्रद्धालु हाथों में डमरू लिए इस वक्त आस्था से सराबोर नजर आ रहे हैं। लगभग श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो इस बार मंदिर प्रांगण में 1,00,000 लोग के लगभग मौजूद होंगे। हालांकि रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में हुए हैं, लेकिन आज कपाट खुले हैं, इसके बाद ये संख्या लगातार यूं ही बढ़ती जाएगी। जो भव्यता है, दिव्यता है, वो देखते ही बन रही है। पूरी केदार घाटी को सजाया गया है। मंदिर की तस्वीरें आप देख ही सकते हैं, पीले गुलाब के फूलों से पूरे मंदिर को सजाया गया है, कपाट को खोल दिया गया है और आम लोगों के लिए श्रद्धालु भी जो दर्शन है श्रद्धालुओं के लिए वो भी शुरू कर दिए गए हैं। कपाट खुले उस दौरान यहाँ पर हमने देखा कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और उस पुष्प वर्षा के साथ ही जो यहाँ पर आस्था का सैलाब है वो हर तरफ उमड़ा हुआ नजर आया। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो ITBP की टीम यहाँ पर मौजूद है, NDRF की टीमें यहाँ पर मौजूद है, SDRF की टीमें मौजूद है और हर तरीके से व्यवस्था को बनाने की कोशिश की जा रही है। यह आस्था का सैलाब बता रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। हालांकि रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड तोड़ हुए हैं क्योंकि चार धाम यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है, कपाट खुल चुके हैं, तो ऐसे में अब ये संख्या और भी ज्यादा आगे बढ़ेगी। शंख का नाद और डमरुओं की गूंज, 6 की समाधि के बाद जैसे ही बाबा समाधि से उठे, मानो केदार घाटी में उल्लास का महासागर उमड़ पड़ा। भक्तों के जयकारों से घाटी जीवंत हो उठी। ढोल की आवाजों ने केदारनाथ धाम को और भी दिव्य बना दिया। Thank you.
भक्तों के लिए बाबा का ये धाम कितना भव्य और पावन है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई है और लाखों श्रद्धालुओं ने यहां आने के लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। लेकिन कपाट खुलने के वक्त जो यहां आए हैं उनके लिए दृश्य अद्भुत है और यहां की परंपराएं अलौकिक हैं। हर रोज महाशिवरात्रि के दिन अक्षय तृतीया का तिथि तय हो जाता है, तब उसी के अनुसार आज सुबह 7 बजे हमने द्वार खोल दिया। खोलने के बाद जो 6 महीने के पहले लगाए हुए दिया, लगाए हुए बेलफूल, लगाए हुए भस्म अभी अभी किया हुआ पूजा के जैसे दिखता है। उसके बाद वो सब ला करके भक्तों को हमने उनका जो 6 महीने का जो पुण्य है उसमें वो पुण्य भस्म लगाने से उनको पुण्य बांट जाता है। एक तरफ केदारनाथ धाम बाबा के जयकारों से गूंज रहा है तो आज से गंगोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। उत्तरकाशी में मां यमुना की चल विग्रह डोली खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हुई और आज गाजे बाजे के साथ दोपहर यमुनोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए गए। सबको यही निवेदन है, सब लोग आइए, दर्शन कीजिए और आशीर्वाद पाइए सब माता जी का। आस्था के चार पवित्र धामों में अक्षय तृतीया की शुभ तिथि पर आज ही गंगोत्री धाम भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। इस मौके पर मां गंगा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह देखा गया। उत्तराखंड की माटी अगले 6 महीने तक आस्था का ऐसा ही उत्सव मनाएगी। चार धाम यात्रा के लिए अभी से ही 23 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। होटल कारोबारियों से लेकर छोटे छोटे दुकानदारों को उम्मीद है कि चार धाम यात्रा का ये अध्याय भी उनके लिए सुख समृद्धि की वजह बनेगा। हाल के सालों में चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है और माना यह जा रहा है कि इस बार भी चार धाम यात्रा उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। केदार घाटी से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देश में आध्यात्म का स्वर्णिम काल, तो आज कपाट खुल गए हैं। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, परिचय करा देती हूँ। प्रतीक भट्ट एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, आचार्य जेपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ हैं योगेंद्र कपूर जी इकोनॉमिस्ट हैं और साथ ही साथ अभिषेक आलूवालिया जी प्रेसिडेंट टूर ऑपरेटर एसोसिएशन उत्तराखंड जुड़ेंगे कुछ ही देर में। शुरुआत प्रतीक जी आपसे करते हुए, आज का दिन बहुत अहम और बहुत शुभ माना जाता है, अक्षय तृतीया का दिन, और आज देखिए कपाट खुल गए हैं। उत्तराखंड अगर हम कहें कि धार्मिक पर्यटन को एक तरीके से पंख लग गए और हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है उत्तराखंड, श्रद्धालु की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देखिए अक्षय मतलब ही होता है अमर, अविनाशी, जिसका कभी क्षय ना हो। तो भाई चाहे आदमी को तीन ही तरह के भोग चाहिए होते हैं, आर्थिक, शारीरिक और कहीं ना कहीं इस सृष्टि में नौकरी वगैरह, उसकी सब चलती रहे तो सब बेहतर रहता है। तो इसके लिए अक्षय तृतीया का दिन इसलिए बड़ा शुभ माना जाता है और कहा जाता है सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। मतलब युग का दिन माना गया है, युग की तिथि मानी गई है, युगादि तिथि मानी गई है। उसी के साथ साथ विष्णु जी के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी है, तो अपने आप में जो तिथि इतनी संयोग समेटे हुए है वो अपने आप में बड़ी तो हो ही जाएगी। अब अक्षय तृतीया क्योंकि लक्ष्मी नारायण को समर्पित है, इसीलिए खास तौर से, और लक्ष्मी कहीं ना कहीं पैसे रुपया ये दर्शाती हैं कलयुग में, और लक्ष्मी नारायण विष्णु जी स्टेबिलिटी, खास तौर से आपकी नौकरी, शिक्षा, ज्ञान, तो कहते हैं अगर इसका सहयोग हो जाए तो उसके बाद जीवन तो अच्छा होगा ही, जहां पे बुद्धि के साथ साथ धन भी आने लगे तो वो एक तरह से संपूर्ण जगह है। तो अक्षय तृतीया से वो शुरुआत हो जाएगी और आप देखेंगे चार धाम कहीं ना कहीं अब जो शुरुआत हो रही है, इस बार उत्साह जो देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे क्योंकि ये साल भी कहीं ना कहीं शनि का साल है तो निश्चित तौर पर धार्मिकता बढ़ती हुई नजर आएगी। इस बार चार धाम के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और गंगोत्री यमुनोत्री से लेके बद्रीनाथ केदारनाथ तक ये यात्रा आपको जुलाई तक ऐसी भीड़
ताता लोगों का दिखता रहेगा। शुरुआत हुई है लेकिन अभी 6 महीने और देखिए किस तरीके से वहां पर श्रद्धालु पहुंचेंगे। रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन जेपी जी, आज अक्षय तृतीया है, हालांकि शाम का वक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी आज के दिन तो कहा यही जाता है कि पूरा दिन ही शुभ रहता है। आप किसी भी पहर किसी भी क्षण आप चाहें तो कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी भी शुभ कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल शाम का वक्त है, तो क्या कहेंगे लोगों के लिए, भक्तों के लिए? सबसे पहले सबको हार्दिक शुभकामनाएं अक्षय तृतीया की, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप हर जगह के दर्शन हमें इतने सुलभ करा देते हैं। जीएनटी के माध्यम से हर कपाट खुलते हुए कह लीजिए हर तीर्थ के दर्शन करते हैं, और इसी मेला में अगर अक्षय तृतीया की अगर हम बात करें, और खास तौर पे अगर देखिए जो लोग सुबह पूजन यापन करके घर से गए हैं और उसके बाद कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिससे पूरे वर्ष भर उसका लाभ ले सकें, तो अभी भी मौका है कि आप क्या कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजें अपने घर में ला सकते हैं, आप हल्दी अपने घर में लेके आ सकते हैं, चाहे थोड़ी सी ही ले आए हल्दी ला सकते हैं, कुछ नहीं तो मिट्टी का घड़ा लेके आ सकते हैं, और कुछ भी नहीं मिलता तो पीली सरसों ले लीजिए। तो इस तरह से ये जरूरी नहीं है कि आपको सोना ही खरीदना है। अक्षय तृतीया का मतलब यह है कि यहाँ पर लक्ष्मी जी और बृहस्पति से जुड़े हुए, भगवान विष्णु से जुड़े हुए जो भी पदार्थ हैं उनको आप संचित करते हैं ताकि उनकी वृद्धि हो, आपके घर में धन धान्य समृद्धि बढ़े, तो इसलिए उन चीजों का संचय अभी भी आप कर सकते हैं, समय है अभी भी। चलिए आज के दिन और क्या कुछ करना जानेंगे आपसे, लेकिन अभिषेक आलूवालिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, देखिए ये वो वक्त होता है जब उत्तराखंड में इंतजार होता है पर्यटकों का। हम कह सकते हैं कि धार्मिक पर्यटन है उसको पंख लग गए हैं, सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं और तमाम तरह के इंतजाम जरूर किए जाते हैं, लेकिन अगर हम खास तौर पर उत्तराखंड के लिए इस साल बात करें, हर साल नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, अभी भी 20 लाख से ज्यादा लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, अभी बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं, उसके बाद हेमकुंड साहब के कपाट खुल रहे हैं, कितना ज्यादा फुटफॉल की उम्मीद वहां पर इस बार लगाई जा रही है? सभी को नमस्कार, और आपके माध्यम से सभी जो तीर्थयात्री चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं या आने वाले हैं उन सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हमारे लिए काफी शुभ है। देखिए आज श्री यमुनोत्री धाम के, श्री गंगोत्री धाम के और श्री केदारनाथ जी के कपाट ऑलरेडी आज खुल चुके हैं सुबह, और जिसकी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा भीड़, कहीं ज्यादा तीर्थयात्री, कहीं ज्यादा लोग आज ऑलरेडी अपने अपने इष्ट देव के दर्शन के लिए श्री यमुनोत्री धाम में, केदारनाथ जी में और गंगोत्री धाम में पहुंच चुके हैं। पिछले साल की तुलना में, देखिए पिछले साल की तुलना में लगभग 56 लाख लोगों का जो नंबर्स है वो चारधाम यात्रा पर आया था, पर शुरुआती दौर में जो अभी ऑलरेडी जो तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचे हैं तो ऐसा लग रहा है कि इस बार डेफिनेटली ये रिकॉर्ड टूट जाएगा निश्चित रूप से। सरकार ने भी अपनी तरफ से काफी तैयारियां की हैं, काफी प्रयास किए जा रहे हैं कि तीर्थयात्रियों की यात्रा काफी सुगम तरीके से होती रही। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, उसी का जिक्र हम कर रहे हैं कि किस तरीके से रिकॉर्ड टूटेंगे। योगेंद्र जी, आज अक्षय तृतीया भी है और आज के दिन सोने चांदी के आभूषणों को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। ओवरऑल अगर मैं आपसे समझना चाहूं, हालांकि सोना बहुत महंगा हो गया, चांदी बहुत महंगी हो गई, उसका ऑप्शन विकल्प क्या है ये जेपी जी ने हमको बता दिया, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाते हैं सोना चांदी खरीदते हैं, कितना ये जो हमारे तीज त्योहार होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं या फिर हम यहाँ पर धार्मिक पर्यटन की ही बात कर ले, ये हमारी इकोनॉमी को कितना बूस्ट करते हैं, और आज के दिन की अगर हम ओवरऑल बात करें तो कितना अहम ये है? राइट, देखिए सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगा कि रिलीजियस टूरिज्म के इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो एक बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ है हमारी कंट्री के अंदर। ऐसा नहीं है कि रिलीजियस प्लेसेस एग्जिस्ट नहीं करती थी, चाहे वो गोल्डन टेम्पल हो, चाहे वो वाराणसी की सिटी हो, चाहे कोई भी रिलीजियस प्लेसेस जो हैं केदारनाथ बद्रीनाथ, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट ने उस तरीके से फोकस इन जगहों का नहीं किया ये देखते हुए कि क्या ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट कर सकते हैं। आज जो है अब हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक एज अ फैसिलिटेटर काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, और वो अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि ये एक स्टेप वन है जिसके बाद जो है एक ओवरऑल जो एनवायरनमेंट क्रिएट होता है वो इस तरीके से होता है कि जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है और जो विजिबल होता है उसका नेट रिजल्ट ये होता है कि वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आपकी उस जगहों को जो है डेवलप करने में विश्वास रखते हैं क्योंकि उनको एक ग्रोथ पोटेंशियल नजर आता है। और इसका मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि जब
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, गवर्नमेंट का जीडीपी जो है वो इंक्रीज करता है क्योंकि कंजम्पशन जो है वो बढ़ती है, साथ के साथ जो है आपके टूरिस्ट जो है, आज हम ये देख रहे हैं कि इंडियन ट्रेवलर्स जो हैं वो अमंग टॉप 10 हैं वर्ल्ड के अंदर, और अगर आप इसको उस तरीके से देखें कि जो हमारे डोमेस्टिक जो ट्रेवलर्स हैं अगर वो इस तरीके से देखें कि हम क्यों ना अपने देश के अंदर जो है घूमने में विश्वास रखें बजाय इसके कि हम बाहर के देश में जाके और इंडिया की प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज जो है उसको हम स्पेंड करते हैं, तो इससे आप ये देखिए कि ना सिर्फ डोमेस्टिकली आप ये देखेंगे कि चाहे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं चाहे फॉरेन टूरिस्ट हैं वो भी इसको एक एज अ डेस्टिनेशन देखेंगे कि जिसमें हमारी कंट्री को ओवरऑल जो है बेनिफिट करेगा हमारे जीडीपी के इंक्रीज होने। ठीक है, संदीप जी ने शुरुआत जिस बात से की थी, प्रतीक जी मैं एक आपका रिएक्शन उस पर चाहूंगी, उन्होंने कहा कि बहुत लेट इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि किस तरीके से जो हमारे देश के जो धार्मिक स्थल हैं वो एक बहुत अच्छा स्पॉट बन सकते हैं, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, और यही मेरा उनसे सवाल था। अब देखिए यहां पर दो बातें आती, पहली बात तो ये कि बहुत से लोग खासतौर पर जो आज लोग पहुंचे हैं पहले दिन वो पहुंचे हैं आस्था के साथ, लोग वहां पर पहुंचे हैं और वो धर्म और आस्था के हिसाब से वहां दर्शन करेंगे, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर हम इसी यात्रा की बात करें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक एडवेंचर के तौर पर यहां पर जाते हैं, ट्रैकिंग करने के लिए यहां पर जाते हैं। देखिए धर्म काम अर्थ मोक्ष इन सब का अपना अलग अलग महत्व है, कुछ एक साथ नहीं हो सकता, इसको आपको समझना होगा। धर्म और अर्थ एक साथ नहीं हो सकते, ज्योतिष में भी उसके दो अलग अलग भाव विभाजित हैं। प्रथम भाव अगर धर्म कहा गया है, नवम भाव अगर धर्म कहा गया है, तो 2, 6, 10 को अर्थ कहा गया है। तो धर्म और अर्थ, तो जो आप प्रश्न पूछना चाह रही हैं कि इसको क्या एक तरह से फाइनेंशियल स्पॉट बना देना चाहिए, वो नहीं संभव है। धर्म और अर्थ अलग रहेंगे, लेकिन अलग रहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि साथ साथ नहीं चल सकते हैं, वो एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे के साथ एक सिक्के के दो पहलू बने रहने चाहिए। नहीं तो सामाजिक समरसता के साथ साथ ज्योतिष भी ये कहता है कि धर्म और अर्थ का जो और काम और मोक्ष है सारे भाव जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो निश्चित तौर पर अगर धर्म है तो वहां अर्थ होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अर्थ की वजह से धर्म या धर्म की वजह से अर्थ वो दिक्कत हो जाएगी। जो आप कह रहे हैं एडवेंचर, तो आज की डेट में अगर आप आंकड़ा निकालिएगा, क्योंकि आप चैनल में बैठी हैं आराम से निकलवा सकती हैं, तो आपको करोड़ों की संख्या आ जाएगी सिर्फ 3 महीने में, मई से लेकर जुलाई तक का फुटफॉल, उसमें से मैक्सिमम 20 लाख व्यक्ति होगा जो इन कपाट में यमुनोत्री गंगोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहा है, 80 लाख मसूरी कैंपटी फॉल देहरादून नैनीताल का पर्यटक है, तो वो अपनी जगह जरूरी है और उसको सरकार को बहुत बढ़ाना चाहिए, लेकिन धर्म को हमें धर्म की नजर से देखना चाहिए, क्योंकि 6 महीने बहुत जरूरी होते हैं और इस दौरान की गई हुई पूजा पाठ का बड़ा फल मिलता है। ये बात आप बार बार इस बात को कहते हैं और इसीलिए उत्तराखंड की चार धाम यात्रा इसको कहा जाता है, और इसी को अगर हम अपने शास्त्रों से भी जोड़कर देखें जेपी जी, तो हमारे शास्त्र भी सिखाते हैं कि अगर आप जा रहे हैं इतनी कठिन यात्रा, पहले बात तो यह है कि आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, कोई भी ऐसे नहीं चला जाता जब तक आपको बुलावा नहीं आता, आप वहां पर पहुंचते नहीं, इस बात को उस लहजे से भी उस नजरिए से भी देखना होगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारे धर्म में क्या कुछ बातें लिखी गई हैं, क्योंकि प्रकृति सेवा प्रकृति प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जहां पर इस वक्त लोग जा रहे हैं पहाड़ों पर, देखिए हमने त्रासदी देखी उससे पहले और उसके बाद कितने परिश्रम और कितने मुश्किलों के साथ वहां पर रास्ते बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों के लिए सुगम यात्रा हो सके, और उसका ख्याल रखना एक भक्त के लिए या फिर जो भी वहां पर लोग जा रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। जी देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। देखिए आज की युवा पीढ़ी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है इन स्थानों पर जाने के लिए। अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान पर देखें, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो, उसका कारण क्या है कि अब उनको समझ में आ रहा है कि इससे दूर रहकर हमारा गुजारा नहीं है, क्योंकि जब वेस्टर्न कंट्रीज यहां अट्रैक्ट होकर आ रही हैं तो हम अपने घर में क्यों नहीं देख रहे हैं। और जहां तक की बात है यहाँ पर टूरिज्म में खास तौर पे इंजॉयमेंट की बात, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति इस भाव से जा रहा हो कि हाँ मैं इंजॉय करूंगा, ट्रैकिंग करूंगा, और वहां जाकर जब उसकी वो श्रद्धा बढ़ती है, जैसे आज केदारनाथ में जब जयकारे लगते हैं, जब ढोल नगाड़े बजते हैं, तो आपकी आत्मा स्वयं जुड़ जाती है भोलेनाथ से, हर हर महादेव स्वतः ही आपके मुंह से निकल उठता है, वहां कोई आपको आके कहता नहीं कि आप भी जय घोष कर लीजिए, आप स्वतः कर उठते हैं। तो इसीलिए आज जो हम ये देख रहे हैं कि संख्या बढ़ रही है, उसका कारण क्या है, ये भावना अब उत्पन्न हो रही है, क्योंकि कलयुग में जैसे जैसे यहाँ पाप बढ़ता है वैसे पुण्य बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बैलेंस करना है, और ज्योतिष में भी कहा गया है अगर आपको राहु केतु को शांत करना है तो आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी,
पड़ेगी, पहाड़ों पर चढ़ना पड़ेगा। वहां पर इसी तरह से इस स्थिति को भी समझना है कि आप अगर आपने इन भावों को व्यक्त करते हुए कहीं एक चीज और समझ रहे हैं कि खाली मैं इंजॉयमेंट कर रहा हूं, बेशक आप इंजॉयमेंट करने के लिए भाव से जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अंतःकरण से आप जुड़ जाते हैं। और खास तौर पे एक चीज मैं देखता हूं इस स्थिति में कि जो हम बात करते हैं अर्थ काम की बात हम कर रहे हैं, यहां पर आप देखिए डेफिनेटली जिस टूरिज्म के बढ़ने से जो पूरे एरिया को, आप अयोध्या को ही उठा के देख लीजिए, आज से 2 साल पहले या साल पहले की स्थिति क्या थी और आज क्या है, जी जमीन आसमान का अंतर है। बड़ी संख्या में पर्यटक वहां भी पहुंच रहे हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं, मेरे ख्याल से संदीप जी इस बात को बहुत अच्छे से बता भी पाएंगे। संदीप जी, हमने भी इसको लेकर एक शो किया था कि किस तरीके से अयोध्या में जब मंदिर बन जाएगा तो कैसे वहां पर इकोनॉमी को पंख लगेंगे, लेकिन उससे पहले जरा अभिषेक जी आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, पिछले कुछ सालों में कितना इजाफा आप देखते हैं, आप टूर एंड ट्रेवल से जुड़े हुए हैं, कितना ज्यादा इजाफा आप देखते हैं? पहली बात तो जो लोग, जो फुटफॉल वहां पर जो लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, उसके अलावा भी जो लोग पहुंचते हैं, कितना बदलाव आया है? देखिए, निश्चित रूप से उत्तराखंड जब से बना सन 2000 में, और मुझे भी लगभग 25 साल इस ट्रेड में हो गए हैं काम करते हुए, तो निश्चित रूप से जो स्थिति में बदलाव आया है वो बहुत बड़ा है। अगर अतिशयोक्ति ना समझा जाए तो कहेंगे कि जमीन से आसमान तक का फर्क हम लोगों ने इस काल में देखा है, इस समय के अंदर देखा है। नेचुरल कुछ आपदाएं बीच बीच में जरूर कहीं रुकावट हुई, थोड़ी इसमें दिक्कतें भी आई, परंतु जो आस्था का विषय है, चारधाम है एक आस्था का विषय है, तो वो आस्था निरंतर बढ़ रही है। पहले देखने में आता था कि एक एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लोग, जो थोड़ा एल्डरली लोग होते थे, ज्यादातर वही लोग चारधाम यात्रा पर आते थे, तीर्थाटन के लिए आते थे। परंतु अगर हाल फिलहाल में देखा जाए, पिछले लगभग 3-4 साल के अंदर में देखा जाए, तो निश्चित रूप से जो एज फैक्टर वाली बात थी वो अभी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, और विभिन्न एज ग्रुप्स के लोग, यंगस्टर्स भी आपको बहुत दिख जाते हैं चारधाम यात्रा में, भले ही वो पैदल जा रहे हों, भले ही वो हेलीकॉप्टर से जा रहे हों। तो युवा पीढ़ी का आकर्षण जो उत्तराखंड पर हुआ और साथ ही साथ चारधाम पर हुआ, अगर आप डेटा की बात करते हैं तो, अगर पूर्व के डेटा पे अगर आप बात करते हैं तो सदा एक बात रहती थी कि केदारनाथ जी में लोग कम होते थे, बनस्पत बद्रीनाथ जी में लोग ज्यादा होते थे। बट अगर रिसेंट 2-3 ईयर्स के अगर आप डेटा पे बात करते हैं तो आज केदारनाथ में जाने वालों की संख्या बद्रीनाथ में जाने वाले की संख्या से आगे बढ़ चुकी है। तो पिछले कुछ समय के अंदर में निश्चित रूप से एक काफी अच्छा इसमें जो अनुपात बढ़ा है वो रीजनेबली काफी गुड क्वांटिटी में एक अनुपात बढ़ा है। तो देश में आध्यात्म के स्वर्णिम काल का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि आज अक्षय तृतीया और आज से बद्रीनाथ के कपाट हालांकि परसों खुलेंगे, लेकिन केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुल गए हैं। 25 तारीख को श्री हेमकुंड साहब के कपाट भी खुलने वाले हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड के पर्यटन को लेकर भी हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ आज का जो शुभ दिन है उसको लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, एक चैलेंज वहां पर जो सबसे ज्यादा है, आप हालांकि इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छे से इसको बता भी सकते हैं कि हर जगह पर अगर सरकार ने व्यवस्थाएं की है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, उसके साथ ही साथ इस बार जो देखा जा रहा है, जो लेटेस्ट खबर है वो ये कि वहां पर व्यापार मंडल की हड़ताल है, ये भी थोड़ा सा जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए परेशानी वाली बात होगी। संदीप जी, सॉरी योगेंद्र जी। ओके, देखिए, मैं ये एक बहुत जरूरी चीज समझता हूँ कि अगर हमें रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करना है तो बहुत जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो एट एक ऐसा एरिया है कि जिसमें गवर्नमेंट को एट ऑल टाइम्स जो है एक वॉच भी रखनी पड़ेगी और उसको मैनेज और कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये एक वर्स्ट काइंड ऑफ फीडबैक होता है कि अगर कोई भी आपके रिलीजियस प्लेस पे जाके घूम के आता है और वो कहे कि उसके ये वर्स्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस रहे, तो उससे आप देखिए कि आप एक कंसेप्ट को प्रमोट करने के बजाय जो है वो उल्टा, जो आदमी दूसरा आना भी चाहता था वो डिस्करेज हो होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम देखें हमारे इस देश के अंदर जो एक एक मैं कहूंगा जो कंसेप्ट है कि हमारा देश जाना जाता है कि एक मेंटल पीस और स्पिरिचुअलिज्म के लिए, और अब हम देखें कि लोगों का टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ जनरल लाइफस्टाइल जो है वो इस तरीके से चेंज हो रहा है कि काफी लोग जो हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं कि वो ऐसे एरियाज में जाने में बिलीव करते हैं कि जहां पे उनको ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं मिल सके। तो उसमें मैं ये देखता हूं कि अगर हम इस कंसेप्ट को ठीक से ग्रो करते हैं तो हम ये देखेंगे कि एक विन विन सिचुएशन होगी, बिल्कुल
और अभिषेक जी ने इस बात को लेकर फोकस भी किया है कि देखिए अब जब मैंने उनसे पूछा था सवाल कि बदलाव कितना है, प्रतीक जी इसी को लेकर मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगी। देखिए बदलाव बहुत ज्यादा आया, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि एक वक्त था जब चारधाम यात्रा का मतलब ये था कि अगर आपकी एक एज हो गई तो उसके बाद आप चारधाम यात्रा के लिए चले जाएं, लेकिन आज की तारीख में यूथ इसके साथ जुड़ा है, नौजवान जुड़े हैं और परिवार के परिवार एक साथ जाते हैं यात्रा करने के लिए। तो क्या पिछले 25 साल में आप इस बात से इत्तेफाक आप भी नहीं रखती होंगी कि योगा आ गया भारत में वापस, आयुर्वेद आ गया वापस, मंदिरों में कतार, बाके बिहारी आप दिखा रहे थे, इसके बाद आपने भी केदारनाथ दिखाया, हर जगह लाख लाख लोग हैं। आखिर क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, जब जब आपका अर्थ काम बढ़ता है तो धर्म उससे डबल तेजी से बढ़ता है। तो ये हमेशा होता आया है। सबसे ज्यादा पूजा पाठ द्वापर युग में हुई जब महाभारत हो रहा था, तो इस समय कलयुग में अगर पाप बढ़ रहा है धर्म तो भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और हमारा यूथ ही हमारा फेस है, वो इस चीज को आजकल समझता है। देखिए आजकल हर चीज बड़ी आसानी से अवेलेबल है कि आपको दोनों तराजू के दो पलड़े बराबर रखने होंगे अगर जीवन को बराबर बैलेंस रूप में चलाना है। तो इसीलिए अगर वो मसूरी जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो फैमिली के साथ फिर वो बद्रीनाथ भी जाने का प्लान कर रहे होते हैं। और अगर आप संख्या देखेंगे तो यूथ की संख्या ज्यादा दिखेगी। पहला एक टाइम तो जो आप कह रही थी सिर्फ लोग कहते थे आप 70 साल के हो गए 60 साल के हो गए धाम यात्रा में चले जाइए, आज यूथ जा रहा है। रजिस्ट्रेशन देखिए, रजिस्ट्रेशन में आपको 25 से 50 की संख्या सबसे ज्यादा मिलेगी और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। बिल्कुल, चलिए इसी के साथ साथ आज का बहुत इंपॉर्टेंट अक्षय तृतीया का दिन भी है, क्या कुछ और हम आज के दिन कर सकते हैं प्रतीक जी बताइए। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा क्योंकि हर जगह एक चीज चल रही है कि सोना खरीदना जाता है और बराबर टीवी चैनल ज्वेलर्स को कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, ज्वेलर्स ऑफर्स भी दे रहे हैं। हाँ, ऑफर भी दे रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स आपके पास आ रहे हैं। बड़ी भ्रम और भ्रामक स्थिति है। पुरातन काल में, प्राचीन काल में इन्वेस्टमेंट का कोई साधन नहीं था तो लोग कहते थे सोना खरीद लो कभी बुरे वक्त में काम आएगा। इसलिए हमने इस तरह का प्रचलन डाल दिया कि धनतेरस के दिन, अक्षय तृतीया के दिन आप पूरे साल जोड़िए और देखिए 6 महीने के डिफरेंस में आता है धनतेरस और अक्षय तृतीया। 6 महीने बाद एक बड़ा सा सोने का आप कुछ ले लीजिए जो आपके लिए काम आएगा। आज की डेट में इन्वेस्टमेंट के तमाम साधन है। तो लक्ष्मी नारायण को समर्पित दिन है। लक्ष्मी नारायण चने की दाल और गुड़ से जितना खुश हो सकते हैं उतना स्वर्ण से नहीं होंगे, तो इसलिए इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। मैं देखता हूँ घर में कहीं ना कहीं कलह हो जाती है इस चक्कर में, हमें सोना लेना ही है क्योंकि अक्षय तृतीया है, जो कि गलत है। अक्षय तृतीया के दिन पीली चीज ली जा सकती है, चाहे वो हल्दी की गांठ हो, चाहे हल्दी का पाउडर हो, चाहे गुड़ हो, चाहे बेसन हो, चाहे चने की दाल हो। और ताप, तप, दान, कर्म, पुण्य, इनका प्रयोग बहुत ज्यादा आज करना चाहिए। जितना हो सके दान करिए जाके इन्हीं चीजों का, और घर में भी इनमें से कुछ चीजें आज खरीद के लाइए। जो लोग सक्षम हैं स्वर्ण जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन स्वर्ण का अक्षय तृतीया से शास्त्रों में कहीं कोई सीधा सीधा नाता नहीं है। मतलब ये आपकी स्वेच्छाएं हैं, आपके पास क्षमता है तो आप खरीदिए सोना चांदी, नहीं है तो उसके और दूसरे ऑप्शंस भी हैं। आपने कहा कि गुरु से जुड़ी चीजें खरीद सकते हैं। जेपी जी, दान भी क्या आज के दिन फल देता है? बिल्कुल, देखिए कोई भी दिन त्योहार कभी भी आप देख लीजिए उसमें दान का महत्व सर्वाधिक है। खाली लेना या खुद संचय करना ही धर्म नहीं सिखाता, वह कहता है कि वह जरूरतमंद जो आप पे आधारित है उसको अगर आप दान करते हैं तो भी आपके पुण्य बढ़ते हैं, और पुण्य बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके कर्म कटेंगे। तो ऐसी स्थिति में दान का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। जैसे अभी प्रतीक जी ने बहुत सुंदर बात की कि गुड़ चने से जितने लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, जितने विष्णु जी प्रसन्न होंगे और किसी चीज से नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप पीली वस्तु का दान भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप गाय को चारा भी खिला सकते हैं क्योंकि वहां पर भी लक्ष्मी का वास है, 33 करोड़ देवी देवता उसमें भी विराजमान होते हैं। तो ध्यान दीजिए ये चीजें आज के दिन आप कर सकते हैं। आज के दिन आप तुलसी के नीचे दीपक जला सकते हैं, बहुत उत्तम आज का माना जाता है, और खास तौर पे हल्दी का तिलक करके आप दीपक जलाएं तो निश्चित तौर पर इससे आपको लाभ। योगेंद्र जी, हम बात इसी की कर रहे हैं और प्रतीक जी कह रहे हैं कि देखिए जरूरी नहीं, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी ले सकते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग जाते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर खरीदते, चाहे धनतेरस और अक्षय तृतीया दोनों ही मौकों की अगर हम बात करें, सोना खरीदे, चांदी खरीदे, बर्तन खरीदे, कितना ये हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए हम एक चीज़ बिल्कुल उन्होंने ठीक बात कही कि हमारी कंट्री के अंदर हम ये देखते हैं कि गोल्ड जो है एक ऐसी एक इन्वेस्टमेंट मानी जाती है कि जिसको एक एसेट माना जाता है, और एक ऐसा एसेट जो आपको आपके कभी भी बैड टाइम्स के अंदर भी जो है वो हेल्प करता है। तो मेरा ये मानना है कि हर आदमी को अपने सेविंग्स के हिसाब से जो है एक कुछ पैसा जो है एलोकेट करना चाहिए कि उसको जैसे अक्षय तृतीया वाली
आई ओकेजन या ऐसे ही इंपॉर्टेंट ओकेजन जितनी भी आती हैं, तो उसमें आदमी को एक अपनी सेविंग्स को जो है इधर जो है इन्वेस्ट करके और उसको एक एसेट क्रिएट करना चाहिए। क्योंकि आप देखिए आने वाले टाइम में, आज हमने कोविड जैसे टाइम तक को झेला, तो आप ये देखेंगे कि आप जो अपने आप को इक्विप ही करते हैं कि किसी भी कॉन्टिजेंसी के लिए आप मीट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हमारे धर्म भी एक तरीके से सेविंग्स भी सिखाते हैं और बुरे वक्त के लिए आपको तैयार भी करते हैं। चलते चलते आखिरी सवाल अभिषेक अलवले जी भी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक जी, 22 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, अभी बद्रीनाथ के कपाट नहीं खुले हैं, अभी हेमकुंड साहब के कपाट नहीं खुले हैं, दोनों ही जगहों पर लोग जाएंगे, जाना चाहेंगे। आने वाले 6 महीनों में आप कहां देखते हैं, और स्पेशली अगर हम टूर एंड ट्रेवल की बात करें तो कितनी एंगेजमेंट ज्यादा रहने वाली है? देखिए यात्रा देखिए अक्षय तृतीया से शुरू होती है, तो इस बार अगर पिछले साल से अगर आप कंपेयर करते हैं तो इस बार यात्रा का जो काल है, जो समय है, जो मुख्य मई और जून का महीना होता है, तो इस बार कहने को थोड़ी सी यात्रा दिनों के हिसाब से थोड़ी शॉर्ट है। तो निश्चित रूप से ये असर डाल रही है कि आपके पास शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट स्पैन में ज्यादा लोग आपके पास यात्रा पर आएंगे। तो निश्चित रूप से आप देख ही रहे हैं कि अभी लगभग 22 लाख करीब रजिस्ट्रेशन जैसा आप बता रहे हैं हो चुके हैं। पिछले साल पूरे साल भर का 56 लाख का करीब करीब आंकड़ा था, तो निश्चित रूप से लग रहा है कि कम से कम उस आंकड़े में कम से कम 20-30 या 40% तक की बढ़ोतरी देखने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल 20-30 और पर्यटन व्यवसायियों के लिए, पर्यटन दूसरा आपने प्रश्न पूछा व्यवसायी से जुड़ा, तो निश्चित रूप से जो ये चारधाम यात्रा है, जो हमारे उत्तराखंड के जितने भी ट्रेवल व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी हैं, जो भी पर्यटन व्यवसाय तीर्थाटन से जुड़े हुए हैं, उनकी आर्थिकी का जो मुख्य स्रोत है उसका वो चारधाम यात्रा ही है। तो निश्चित रूप से ये चारधाम यात्रा केवल यात्रा ही नहीं है, बहुत लाखों लोगों की जीवन की आस्था का प्रश्न भी है, और साथ ही साथ बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों की जो जीवन यापन है वो भी इस यात्रा से जुड़ा हुआ है, उनकी आजीविका भी इसी से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, चलिए आप तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज अक्षय तृतीया, कपाट खुल गए हैं केदारनाथ के, यमुनोत्री और गंगोत्री के, परसों यानी कि 12 तारीख को खुलेंगे बद्रीनाथ के कपाट। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।